हेलो स्टूडेंट, दिस इज आवर थर्ड लेसन इज फर्स्ट लाइस सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। द राइटर वाज अ पायलट। ही फ्लू फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड एंड ही वांटेड टू गो होम, बट सडनली ही फेस ए स्टॉर्म एंड हाउ ही बिकम कैपेबल फेस द स्टॉर्म एंड हाउ ही एस्केप फ्रॉम द स्टॉर्म we will read in this lesson. Let's start. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. Chand mere samne pur disha se uday ho raha tha, mere samne tha, aur jo tare the aasman ke andar puri tarah se saaf aasman mein chamak rahe the. There was not a cloud in the sky, koi bhi badal aasman mein nahi tha. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Main खुले मैदानों के ऊपर खुले आकाश में उड़ रहा था, अकेला था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डगोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने ओल्ड डगोटा को लेकर के फ्रांस से इंग्लैंड के लिए निकला था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और अपने परिवार के साथ परिवार के बारे में सोच रहा था। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 हुए थे। I should call Paris Control soon, I thought. मैंने सोचा कि मुझे Paris Control रूम को कॉल करना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, मैंने जैसे ही एरोप्लेन के निचले भाग में देखा, I saw the lights of a big city in front of me. मेरे सामने एक बड़े शहर की लाइटें जगमगा रही थी। Switch on the radio and said, मैंने रेडियो को ऑन किया और पूछा, कहा, Paris Control, Dagota DS-008 here. मैंने उनको बताया कि Paris Control रूम DS-008 से बोल रहा हूँ। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत मुझे रेडियो से आंसर मिला, DS-008 आई कैन हेयर यू, DS-008 हम आपको सुन सकते हैं। यू ओर टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ, DS-008 ओवर, DS-008 तुम्हें 12 degrees पश्चिम में मुड़ना चाहिए। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न दैट ओल्ड डगोटा 12 degrees वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड। मैं 12 degrees इंग्लैंड की तरफ मुड़ा और मैंने अपने कंपास और मैप को चेक किया और अपने सेकेंड जो टैंक था, इंजन जो एयरप्लेन का जो फ्यूल इंजन था उसको चेक किया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं समय पर सुबह के नाश्ते पर पहुँच जाऊँगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, प्रत्येक चीज़ सही जा रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, एक आसान उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 kilometers बिहाइंड मी, पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, मैंने सितारों को बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, ये तूफान के बादल थे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको आप रीड एंड लर्न करेंगे। इसका सेकंड पार्ट हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।